भाई हमारा तो यार चला गया, हमारा यारा ना सब, हम दोनों म्यूजिक के अलावा यूं मिला करते थे, मजे करते थे लाइफ से। मैं तलत पंकज हम तीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके जाने का मुझे बहुत दुख है, मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। तबीयत खराब थी मुझे पता था, जी चार पांच महीने पहले मुझे पता लग गया था कि तबीयत बहुत गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो इतनी जल्दी इसका अंजाम ये होगा मुझे बिल्कुल विश्वास। वेरी वेरी बिग लॉस, वेरी बिग लॉस जी। और आप लोग मतलब, और वो जो 80 का दशक, वो दौर जब आप जगजीत सिंह जी, तलत अजीज जी और पंकज उदास जी चारों एक साथ जब बैठा करते थे, उठा बैठा करते थे, तो किस तरह की बातें चलती थी? क्योंकि उस समय का जो संगीत निकलता था, आज भी हम सबकी जुबान पे वही वही गाने, वही गजलें रहती हैं। वही चल रहा था, अभी तक वो चल रहा था। देखिए वो माहौल अभी तक वही था, खजाना गजल फेस्टिवल होता था, उसमें हम लोग सब मिलते थे, गाते थे। तीन चार महीने पहले दुखा नेहरू सेंटर में पंकज ने भी गाया, हमने गाया। कमजोर वो लग रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसी तबीयत है कि वो चली जाएंगे छोड़। बहुत बड़ा लॉस है म्यूजिक वर्ल्ड का, बहुत बड़ा लॉस। और अनूप जी, एक ऐसा लॉस जहाँ पर मतलब भरपाई की अगर बात की जाए, वो नए टैलेंट को जिस तरह उभारने की कोशिश करते थे अपने मंच पर अपने साथ, ये नए टैलेंट को भी एक एक वो जो गाइडिंग हैंड मिलना था, उससे वो वंचित रह जाएंगे अनूप जी? नहीं, वो उनका जो एक एम था, टारगेट था, एक मिशन था, उसको तो हम बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं भी खजाना फेस्टिवल का एक हिस्सा हूँ। मैंने, तलत ने, पंकज ने मिलके खजाना फेस्टिवल शुरू किया था, नए नए लोगों को पेश करना, वो तो हम बंद नहीं होने देंगे। नायाब हमारे साथ रहेगी, हम सब मिलके काम करते रहेंगे। लेकिन वो शख्स तो चला गया ना, जिसके हम कितने बड़े फैन भी, दोस्त भी, सब कुछ, बेचाने का बहुत 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 नुकसान है।